जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी जिला और महानगर कार्यकारिणी के तत्वाधान में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव के नेतृत्व में दीप नारायण सिंह यादव सहित दो दर्जन से अधिक सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे लगाए जाने के विरुद्ध गांधी उद्यान प्रांगण में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया गया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा भाजपा सरकार की तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, साथ ही सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न बंद होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव और दो दर्जन से अधिक सपा कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे से नाराज सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सत्ता में आते ही भाजपा द्वारा बदले की भावना से लगाए जा रहे फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई है। इस सरकार में ना कोई कहने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला, इसलिए हम अपने समाजवादियों का उत्पीड़न रोकने और उन्हें न्याय दिलाने के लिए महात्मा गांधी की शरण में आए हैं। महात्मा गांधी की तरह आंदोलन जारी रखेंगे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति की गवाही तो रोज हो रही लूट हत्या अपहरण की घटनाओं से मिल जाती है। महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की शर्मनाक वारदातें थम नहीं रही हैं। भाजपा सरकार जिला प्रशासन के माध्यम से झांसी में अराजकता का तांडव करा रही है। जनपद के गरौठा विधानसभा से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के प्रति भाजपा व्यक्तिगत रूप से दुर्भावना बरतते हुए उन पर झूठे और फर्जी मुकदमे लाद रही है, उनके परिवार को प्रताड़ित कर रही है और उनके साथ लगभग दो दर्जन से अधिक सपा कार्यकर्ताओं पर विभिन्न थानों में उनके खिलाफ बिना आपराधिक इतिहास के गैंगस्टर की कार्रवाई की जा रही है। कहा कि जिले भर में सत्ताधारी नेताओं के इशारे पर जिला प्रशासन द्वारा फैलाए जा रहे सपा कार्यकर्ताओं पर जो भी मुकदमे दर्ज हैं उसकी जांच कराकर न्याय दिलाया जाए और उत्पीड़न को रोका जाए। समाजवादी पार्टी अत्याचार पर अंकुश लगाए जाने की मांग करती है। सर्वप्रथम जिन निर्दोष लोगों पर कूट रचना करके फर्जी अपराध दर्ज की गई उसे तत्काल खारिज करें। जिन अधिकारियों पुलिस कर्मियों ने जो फर्जी मुकदमे दर्ज किए हैं उनके खिलाफ भी जांच करवाकर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। यदि यह अत्याचार पर जल्द ही अंकुश नहीं लगाया गया तो हमारे किसी भी कार्यकर्ता को बेवजह परेशान किया गया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री अजय सूद, अस्फान सिद्दीकी, अरविंद वशिष्ठ और कई सारे कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमें वो समय याद है, भले ही पढ़ने वाले थे, लेकिन आज का जो अन्याय अत्याचार है, इमरजेंसी के अन्याय अत्याचार को मौना करार दे दिया है।